माननीय धारा 370 जम्मू के लोकतंत्र के लिए बाधक है, जम्मू की गरीबी को बढ़ाने वाली है, जम्मू की जम्मू और कश्मीर के पर्यटन को रोकने वाली है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के विकास को रोकने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरोग्य की सुविधाओं से दूर रखने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को शिक्षा से दूर रखने वाली है। ये धारा 370 महिला विरोधी है, ये धारा 370 दलित विरोधी है, ये धारा 370 आदिवासी विरोधी है और ये धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है, जिससे कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद का वृक्ष है। माननीय देश भर के अंदर शादी की उम्र तय हो गई, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। कितनी भी छोटी बच्ची हो इससे आप शादी कर सकते हो। किस जमाने के में जम्मू कश्मीर को हम डाल रहे हैं? जो धारा 370 को जो रखना चाहते हैं वो जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि बाल विवाह का आप समर्थन करें। माननीय दूसरा कानून नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी क्यों नहीं पहुंचाना वहां? वहां सिख रहते हैं, जैन भाई रहते हैं, लद्दाख पूरा बौद्ध धर्म मतावलंबियों से भरा हुआ है, क्यों ये माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाना? माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद पढ़ाई लिखाई हो रही है और पढ़ाई लिखाई का मेरा अधिकार है, दो चीजों में मूलभूत अंतर है। देश के सभी बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को अधिकार है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को नहीं। ये 370 देश भर में डिलिमिटेशन हुआ, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं होगा। कितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आबादी बढ़ जाए आप एक ही जनप्रतिनिधि मिलेगा, क्यों बोला? देश भर में बढ़ती आबादी के अनुपात में जनप्रतिनिधि मिले, क्षेत्र का बंटवारा हुआ, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरी वोट बैंक खट हो रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा माननीय, अब ऐसा नहीं चलेगा। एक कलम हटते ही वहां पर सब धाराएं लागू हो गई। माननीय नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी देश में सब जगह है, वहां के वाल्मीकि भाइयों के लिए सफाई कर्मचारी के लिए एक कमीशन हम नहीं बना है, नहीं स्वीकार किया है। क्यों? माननीय ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन, दलितों के लिए रिजर्वेशन, मैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, वहां नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी जो 370 को बचाना चाहती है, दलित और ट्राइबल रिजर्वेशन का आप विरोध कर रहे हो क्या? देश भर के अंदर दलित और ट्राइबल भाइयों को रिजर्वेशन मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जो 370 की एडवोकेसी करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप किसके पक्ष में खड़े हो? 370 का उपयोग कर जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र का गला घोटा गया। व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया, कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है तो कोई व्यक्ति अगर उसकी सूचना तंत्र को देता है तो उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। यहां कांग्रेस पार्टी बड़े जोर जोर से इसकी प्रशंसा करती थी, मगर वहां नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां 3 परिवारों का शासन है, भ्रष्टाचार पनपता रहे, हमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और माननीय, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से देश की जनता को कि चिंता 370 की नहीं है, वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो मोदी जी के शासन के अंदर, राष्ट्रपति शासन के अंदर शुरू हुआ और कुछ फाइलें खुली हैं, इसकी चिंता है। इसके कारण 370 के लिए हो हल्ला हो रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक में जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर आया, चेहरे पर पसीने आने लगे, ठंड में पसीने आने लगे।